दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी ट्रिपल एसएससी ने 1186 पदों के सापेक्ष जूनियर असिस्टेंट का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। आप वेबसाइट पर जाकर studyvigyanprakash.com या फिर डायरेक्टली uptrisc.gov.in पर जाकर 26 जून से लेकर 20 जुलाई के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस परीक्षा में इस बार सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। अभी तक जो विज्ञापन जारी हुआ है उसमें एग्जाम डेट और सिलेबस के बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं गया है। टाइपिंग और रिटन एग्जाम ये दो चीजें बताई गई हैं, यानी कि इन्हीं दोनों के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। एकेडमिक, इंटरव्यू और नेगेटिव मार्किंग, तो तीनों चीजों के बारे में मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। इस बार जो परीक्षा होगी निश्चित रूप से उसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगा, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। इंटरव्यू नहीं होगा और एकेडमिक भी नहीं होगा। सिंपली आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छे अंक ले आते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही, देखिए एक में नहीं दोनों में, हिंदी में भी 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग अगर आप कर सकते हैं और उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका चयन हो जाएगा। हिंदी में किसी भी फॉन्ट का चयन किया जा सकता है, ज्यादातर जो मंगल फॉन्ट है उसका ही प्रयोग यहाँ पर टाइपिंग में कराया जाता है यूपी ट्रिपल एसई के द्वारा। दोस्तों ये जो परीक्षा है वो लगभग अक्टूबर या नवंबर में हो सकती है और इसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि इस बार रिटेन में जितना अच्छा आप कर पाएंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा और इसी के आधार पर आपका अंतिम चयन भी होना है। तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों शुरू हो चुका है, आप आवेदन कर दीजिए। और इसके जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं अगर उसका हल आप लोग देखना चाहते हैं, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आज जो 21 मई 2019 को परीक्षा हुई थी जूनियर असिस्टेंट की, तो उसके दो पेपर सेट को आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों से आपको रूबरू होना होगा एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो 2016 की परीक्षा हुई थी तो इसमें एक सही जवाब देने पर आपको आधे अंक 0.5 अंक आपको दिए जाते थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग भी होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगभग 100 हो सकते हैं और ये जो परीक्षा होगी वो लगभग 90 मिनट की हो सकती है। गलत जवाब देने पर 50% अंक, यानी कि एक सही जवाब देने पर 2 अंक, गलत जवाब देने पर 1 अंक आपके काट दिए जाएंगे। सिलेबस में क्या पढ़ना है तो तैयारी आप लोग अभी से कर लीजिए। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण और सामान्य जानकारी, ये तीन चीजें अभी तक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में पूछी जाती रही हैं, तो आप लोग भी इन तीनों चीजों पर अधिक से अधिक फोकस करें। हिंदी को बिल्कुल हल्के में ना लें, हिंदी के लिए आप लोग एक अच्छे से तैयारी करें। कोई भी प्रश्न जो आपको डिफरेंट लगता है उसको छोड़े ना, और कोई भी एग्जाम हो, मतलब किसी जरूरी नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, यूपीपीएससी का हो, एसएससी का हो, कहीं से भी अगर आपको हिंदी के प्रश्न मिल रहे हैं उसको आप लोग जरूर हल करें। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी जो हिंदी होगी वो इम्प्रूव होगी, आपका जो शब्द भंडार है वो बढ़ेगा और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों एक सही रणनीति बनाकर अगर आप इस परीक्षा में शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल जरूर होंगे। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और साथ साथ तैयारी में आप लोग लग जाइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोगों को जॉब मिले तो टाइपिंग में भी आप लोग तैयारी कीजिए और टाइपिंग करते रहिए। प्रतिदिन कम से कम आप लोग 1.5 से 2 घंटे की टाइपिंग जरूर कीजिए। हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करिए कि गलत स्ट्रोक ना हो, यानी कि टाइपिंग करते समय गलत जो की होती है वो कंप्रेस हो। तो इसके अलावा अगर आप लोग कुछ और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर आप लोग जो है बताइएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और हमारा फेसबुक पेज, ये दो चीज़ें आप लोग जरूर लाइक कर लें और जरूर चेक कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सारी जरूरी बातें अपडेट कर रहा हूँ और अपडेट करता भी रहूँगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।